दोस्तों कल मोटोरोला ने अपने मिड रेंज फ़ोन मोटो एम को कल इंडिया में लॉन्च कर दिया है, तो आज मैं आप लोगों से मोटो एम के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीआरबी टू टेक। मोटो एम मोटोरोला के प्रीवियस डिवाइस से थोड़ा सा अलग है और शायद इसी वजह से मोटोरोला अपने मोटो एम को डिफरेंट इज अ बेटर के स्लोगन से प्रमोट कर रहा है। नंबर वन, मेटालिक डिज़ाइन। मोटोरोला के प्रीवियस डिवाइसेस को अगर आपने यूज़ किया है तो यूजली मोटोरोला के सारे डिवाइसेस प्लास्टिक बिल्ड थे। मोटो एम मोटोरोला की तरफ से पहला ऐसा डिवाइस है जो यूनिबॉडी मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। डिवाइस कम्प्लीटली मेटालिक बिल्ड है और बैक को थोड़ा सा कर्व किया गया है टू होल्ड इट परफेक्टली। नंबर टू, फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट। आपने मोटोरोला के प्रीवियस डिवाइसेस लाइक मोटो जी 4, मोटो जी 4 प्लस, मोटो जेड, मोटो जेड प्ले एक्सेट्रा इन सबको यूज़ किया है तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर फ्रंट में देखने को मिलता है, बट मोटो एम के साथ इसको चेंज किया गया है। मोटो एम में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे दिया गया है, सो इट इज़ क्वाइट गुड। नंबर थर्ड, न्यू हार्डवेयर। मोटोरोला ने मोटो E3 पावर में मीडियाटेक के प्रोसेसर का यूज़ किया था, तो सेम थिंग हैपेंड हियर। मोटो एम में भी मीडियाटेक के हीलियो P15 चिपसेट का यूज़ किया गया है जो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और जो 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है। नाउ टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। मोटो एम में आपको 5.5 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसका PPI 401 है। आपको डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है जिसका एपेचर F2.0 है और डिवाइस में ड्यूअल LED फ्लैश दी गई है और डिवाइस के फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। डिवाइस आपको दो अलग अलग वेरियंट्स में अवेलेबल है, वन विद 3 GB ऑफ रैम एंड 32 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड सेकंड वन 4 GB ऑफ रैम एंड 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। डिवाइस ड्यूअल सिम सपोर्टेड है बट इसमें एक स्लॉट हाइब्रिड है, या तो आप इसमें एक सिम कार्ड या एक माइक्रो SD कार्ड अप टू 256 GB और या दोनों ही सिम कार्ड यूज कर सकते हैं। डिवाइस में आपको 3050 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जो यूजर रिप्लेसेबल नहीं है और आई डोंट नो इसमें फास्ट चार्जिंग दिया गया है नहीं दिया गया। मोटो एम आपको एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा। 3GB रैम वेरिएंट की प्राइस 16,000 rupees और 4GB रैम वेरिएंट की प्राइस 18,000 rupees रखी गई, तो आप उसको वहां से परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर मैं मोटो एम की परफॉर्मेंस को मोटो G4 प्लस के साथ कंपेयर करता हूं तो हीलियो P15 इज स्लाइटली बेटर देन क्वालकॉम 617। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर में मोटो एम का स्कोर अप्रॉक्सली 54,000 रहा है, मोटो G4 प्लस का स्कोर अप्रॉक्सली 46,000 रहा है, तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है बट इट इज स्लाइटली बेटर। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें कि मुझे मोटो एम कैसा लगा, तो गाइज फ्रेंकली स्पीकिंग कि मुझे नहीं पता कि मोटोरोला अपने लाइनअप के साथ क्या कर रहा है। 50 to 20,000 के प्राइस पॉइंट में मैं मीडियाटेक का प्रोसेसर मोटोरोला की तरफ से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट उन्होंने मोटो एम में हीलियो P15 चिपसेट को यूज़ किया है। गाइज 15 to 20,000 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ काफ़ी सारे अच्छे वेरियंट्स और अच्छे फ़ोन अवेलेबल हैं और डिवाइस में ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जो उसकी USB हो या उसको और डिवाइसेस से थोड़ा अलग स्टैंड करता हो सेम प्राइस पॉइंट में। अगर मैं मोटो G4 प्लस की बात करूं तो उसका कैमरा उसकी USB है जो बहुत ही शानदार है, और मैं मोटो G प्ले की बात करता हूं तो उसके मोटो मोड्स उसको उस प्राइस पॉइंट में और डिवाइसेस से थोड़ा सा अलग बना देते हैं, लेकिन मोटो एम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मोटो G4 प्लस की परफॉर्मेंस आपके लिए सफिशियंट है सो देयर इज़ नो नीड टू अपग्रेड विद मोटो एम, जस्ट स्टिक विद मोटो G4 प्लस। मोटो G4 प्लस का कैमरा बहुत ही शानदार है और मुझे नहीं लगता ऐसा कैमरा आपको मोटो एम में देखने को मिलेगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोटो एम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या।